हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इमेज को टेक्स्ट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, इमेज में लिखे हुए टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट में आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूज़फुल ट्रिक है उन लोगों के लिए जिनका काम टाइपिंग का है या कंपोजिंग का है, तो वो इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। जिनको हार्ड कॉपी दे दी जाती है और उनको कहा जाता है कि इसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके दे दें, या बहुत ज़्यादा टाइपिंग करना पड़ती है, तो आप इस ट्रिक की मदद से बड़ी आसानी के साथ किसी भी इमेज में लिखे हुए टेक्स्ट को बआसानी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको एडिटिंग भी कर सकते हैं। आप उसको कहीं पर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पीसी में एमएस ऑफिस का होना लाजमी है। एमएस ऑफिस का होना आपके पीसी में लाजमी है। एमएस ऑफिस का कोई भी वर्जन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये एक इमेज है। अगर आपके पास इमेज नहीं है तो आप मोबाइल से भी इमेज खींच कर आप बड़ी आसानी के साथ जो इमेज में लिखा हुआ टेक्स्ट है आप उसको कंप्यूटर में रख दें और उसके बाद आप उसको एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस इमेज को आपने नीचे, यानी यहाँ पर ये इमेज यहाँ पर मौजूद रहे, और उसके बाद एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट, क्योंकि मैं 2007 यूज़ करता हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप, ये है इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट, तो ये आप यूज़ करेंगे। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद आपने यहाँ जाना है इंसर्ट में। आपने इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद तीसरा ऑप्शन है पिक्चर का, ठीक है, तो उसमें चले जाना है आपने पिक्चर में। और फ्रॉम फाइल्स में अभी देख लेता हूँ, ये डेस्कटॉप में वो इमेज मौजूद थी, तो ये इमेज है, ये देखें आपके सामने इमेज आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, ये जो पहला ऑप्शन है कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम पिक्चर हो चुका। अब उसके बाद एक बार और मैं कर लेता हूँ, ठीक है, सही है। और उसके बाद आपने यहाँ से न्यू में जाना है, न्यू पेज में चले जाएं और आप फिर जो आपने वहाँ से कॉपी किया था इधर आकर आप उसको पेस्ट कर लें। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एडिटेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको कहीं पर भी कॉपी कर सकते हैं और इसको बड़ी आसानी के साथ, देखिए आपका कितना काम आसान हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर इसी तरह की वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।